स्विट्जरलैंड की घंटियों के बीच में फाइनली माता जी हमारा सपना सालों साल का पूरा हो गया कि मम्मी को लेके आना था स्विट्जरलैंड घुमाने के लिए, और इस बार तो सारी फैमिली साथ में है, खूब मौज लेंगे। लाउटरबर्न के इलाके के अंदर हम आ गए हैं, जो आज घूमना शुरू करते हैं। फिलहाल अपन अपना सामान, लैपटॉप बाद में वीडियो अपलोड करनी होगी इसलिए, और ड्रोन डालें, टोपी अपनी ले लें। मौसम ऐसे बढ़िया है, चर्च के घंटे बजते रहते हैं, as I told you, रात को भी दुखी करते हैं। 12 घंटे बजेंगे लगता है। ये रहा अपना बीएनबी, ये रही अपनी गाड़ी, और वो रही अपनी वोटी। आई रेडी, आई एम टेकिंग एवरीवन फर्स्ट टू द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट। अबाउट हेयर, ये बीएनबी जो है ना, ये हमें पड़ा आप लगा लो तकरीबन 21,500 रुपए रात का, मगर 2 बेडरूम भी है, किचन पूरी प्रॉपर है, खाना हमने बना के अपना थोड़ा सा खर्चा बचा लिया था, वरना होटल भी है जो ये है ना, ये भी 11,000 12,000 से नीचे नहीं मिलते। बचा के हमने थोड़ा खर्चा नहीं बताया, बहुत खर्चा बचा है, खाना बोलने गए भाई साहब, मतलब ये लगा लो कि जो बना लिया था सारा, जो रैप हमने वहां पे या जो टर्किश कबाब हम लेते थे 7 यूरो का, वो यहाँ 14-14, 15-15, मतलब डबल का फर्क है जर्मनी और यहाँ के मुकाबले। इसलिए कल तो हम डिनर भी जर्मनी के बॉर्डर पे करते हुए आए थे, बट आज क्योंकि हम सबसे एक्सक्लूसिव एरिया के अंदर हैं, अब जबरदस्त वाला, तो आज हमने ये देखना है और आप लोगों को भी और इनको भी दिखाना है, ठीक है माता जी। साहब ने लिखा जी अतिथि देव भवा, क्या पता कोई इंडियन हमारे उसने बीएनबी खोला हो यहाँ पे। बेसिकली इंटरलाकेन है, जो मैंने अपनी पहली स्विस सीरीज में भी बताया था, जो कि यहाँ से जंप ऑफ पॉइंट है, 2 लेक्स के बीच में बड़ी खूबसूरत सिटी, जहाँ पे यश चोपड़ा जी का स्टैचू भी लगा हुआ है, उससे ये जगह 15 मिनट ही आगे है। दिस इज़ वन ऑफ द जंप ऑफ पॉइंट, इसको भी जो है ना बेस बनाया जा सकता है अगर आपको यहाँ पे जगह अच्छी मिल जाए रहने के लिए, क्योंकि इंटरलाकेन 15 मिनट उधर, गिम्बल वर्ल्ड, ग्रिंडल वर्ल्ड, जो कि सारी खूबसूरत जगहें, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके इनको आज ही दिखा दूँ, वो यहाँ से और इंटरलाकेन दोनों से देखी जा सकती है। क्या अमेजिंग नज़ारे हैं, पर मैंने कहा एक बार मैं आगे जाके ना चेक कर लेता हूँ पीछे वाटरफॉल वगैरह भी, कि भाई ऐसा ना हो कि मम्मी को मैं बुला लूँ, इतनी स्टीप ढलान है और कुछ गड़बड़ हो जाए। ओह बट लोग बैठे हैं, और चाइनीज लोग बैठे हैं, इनको बताता भी है सेल्फी कहाँ लेनी है, लंबी लंबी स्टिक्स लेके घूम रहे होते हैं ये, यहाँ तो ठीक होगा। आ जाओ आ जाओ, ये आ गया जी वो व्यू, और लाइन लगती जा रही है जब तक हमारी फैमिली आ रही है, बट कमाल है भैया, मजा ही आ गया देख के। भाई जी स्पॉट के लिए बारी लग रही है, दूसरी भी फैमिली खड़ी हुई है, अभी मैंने सेंटर की कम से कम भी 25-50 फोटो खींची, मगर उसको एक भी मेरी फोटो पसंद नहीं है, तो मैंने कहा ऐसा है तो एक काम कर, रक्षिता को खड़ा कर बीच में, उसकी रेफरेंस फोटो ने मुझे बताया कि मेरे को ऐसी चाहिए, तो उसको मैं खींच के बना दूंगा। तो भैया थोड़े से ये जो है ना, मतलब चैलेंजेस रहते हैं कि भाई आई एम नॉट कंप्लेनिंग, I know. The person is like minus 15 patience for picture. Oh, okay. And दूसरी चीज़ ये भी है कि when I take a picture, everything is perfect. And then like, she would come and say, oh, I didn't like my expression. Can you take the same composition, but I will make a different face. No, in this case, the composition is really bad. Composition is really bad. Position I want for my 1X. Okay, so this is the reference. Yes, okay. I don't want. So you took like this. Yeah, I wanted to take the waterfall also. No, okay, I don't want this road. Okay. So you want what? Left side. I would like this. Yes, okay, this is pretty. Perfect. चलो फोटो शूट हो गया, अब हम निकल रहे हैं वापसी। सबसे बढ़िया व्यू वॉक लाउटरबर्न की, बहुत सिंपल है, बस ये चर्च के सामने से ये रास्ता। अब जी यहाँ पे ट्रेन मिलती है जो ऊपर जा रही है ना, ये जाती है पहले वेंजन की तरफ, उसके बाद यूनफ्राओ की तरफ, तो वो बहुत जो है ना एक्सपेंसिव पड़ जाती है, 100 मेरे ख्याल से 150 यूरो, पता नहीं भगवान जाने कितनी उसकी टिकट है पर बंदे की, तो वो तो हमें पड़ता खाती नहीं। तो हम देखते हैं कि अगर ऊपर जो पहला स्पॉट है वहाँ तक जाती हूँ तो मैं थोड़ी सी ट्रेन की सैर भी करा दूँ, क्योंकि भाई बजट भी देखनी पड़ती है, इतने सारे लोगों को बहुत कंबाइंड पैसा लग जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर ये नहीं तो यहाँ से गाड़ी लेके जो हम सुंदर जगहें और हैं आसपास की देखने के लिए, वो इन्हें भी दिखा दूं और आपको भी। यहाँ ना सारी ऐसी कई किलोमीटर की ना कच्ची ट्रेल बनी हुई है, लोग जाते हैं, हम लोग गाड़ियों में घूमते ज्यादा है, थोड़ा मम्मी की भी कमर का भी है, वरना अगर आप कपल हो या कुछ तो इनके साथ साथ ऐसे फोटो स्पॉट्स आते हैं जो और कहीं से नहीं मिलेंगे, जैसे ट्रेल पे जा रहे हैं ना लोग। चलो जी गाड़ी में सवार होके हम निकल लिए हैं,
लो जी आ गया फाइनली ग्रिंडल वॉल्ड और ट्रालियां दिखनी शुरू हो गई हैं जो कि जा रही होती हैं ऊपर तक, इतनी ऊपर जाती हैं कि एक लेवल के बाद दिखनी बंद हो जाती है। बहुत ही सुंदर इलाका आ गया, आगे थोड़ी थोड़ी बर्फ भी दिख रही है जी। नजारे जा रहे हैं बाहर भी अंदर भी। You like it doll? How much? It's pretty. I told you. बाकी जी कैमरों में तो मैं आपको कितना ही दिखा सकता हूँ, है ना। अब ये है कि भाई कॉन्स्टेंटली हर मोड़ पे ही ऐसे नजारे हैं, जितना लेता हूँ मैं जितना दिखा सकता हूँ आपको दिखाता हूँ, बाकी बहुत ज्यादा भी नहीं करता कि रेपिटेटिव ना हो जाए। लास्ट टाइम जब मैं था ना उसके मुकाबले में अब रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं जो ट्रॉलियों के, माउंटेन एक्सकर्शन के, 3-4 साल पहले की बात होगी, डबल से भी ज्यादा रेट बढ़ा। भैया जैसे हमारे वहाँ मॉल रोड होती है ना, मॉल रोड, ये यहाँ की मॉल रोड है ये वाली सारी। Hey, eyes on the road, eyes on the road, not on the view. क्या view है? I know. यार तो आंखें मुंडी अपने आप घूमती है भाई। ये ग्लाइडर और माउंटेन कार्ट मैंने ये दोनों किए हुए हैं, मगर अभी फिलहाल ये दोनों बंद है। अब ये जो पहाड़ी दिख रही है ना, इसके उस तरफ लाउटर बोल रहे हैं, हम ऐसे गोल घूम के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक ट्रॉली लेके इस पहाड़ी के इस तरफ, दूसरी लेके उस तरफ, और वहां से जो ट्रेन में आपको दिखा रहा है, ट्रेन लेके नीचे लाउटर बोलन तक भी जा सकते हैं, तो पूरा यहाँ से आ जाता है। मगर हमारे पास गाड़ी है तो अभी हम उस तरफ चल के फिर वो ट्रेन तो ले ही लेते हैं, एक वो लेनी जरूरी है ना, एक बार ट्रेन तो ट्राई करते हैं यार। कॉक भी मैं कहा नहीं, हाँ मूड कर गया, फिर ट्रेन ही लेते हैं, चलो बढ़िया। हाँ जी, तो डिसाइड हमारा यही हुआ है कि भाई ग्रिंडलवॉल्ड हमने नीचे से तो गाड़ी से देख लिया, मगर वही सेम एक्टिविटी जो मैं पिछली बार की थी जिसमें से दो बंद भी हैं, वो करने के बजाय हम वापस जा रहे हैं लाउटर ब्रुनन और वहां से ट्रेन लेगा, क्योंकि भाई सबका ट्रेन का मन बन गया, इसमें चाहे जितनी छोटी ट्रेन हो एक ट्रेन तो ट्राई करनी है, लेके जाएंगे ऊपर व्यंजन तक। ओ ओरी 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 वो सामने ट्रेन दिख रही है यार, छोटी वाली, घूम के फिर वहीं जाएंगे। मैं समझाता हूँ, हम इधर हैं और ग्रिंडलवॉल्ड में और इधर है लाउटर ब्रुनन और बीच में पहाड़ी है। अच्छा। अब हम अगर यहाँ से जाके यहाँ आ सकते थे पहले, मगर हम ऐसे घूम के गाड़ी से आ गए, तो अब हम उतर जाएंगे तो वापस भी हमें सेम व्यू से नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरफ आए तो गाड़ी यहाँ लाकर दोबारा लानी पड़ेगी, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा, तो बेकार हो जाएगा। ये भी किया जा सकता है कि एक साइड से जो है ना आप लेके ट्रेन लेके ऊपर जाओ, दूसरे ट्रॉली लेके नीचे आओ, यहाँ से फिर बस लेके वापस चले जाओ लाउटर ब्रुनन। डबल डेकर तो नहीं, डबल पुलर, पीछे खींच रहा है, ट्रेलर की तरह बांध रखी है। अब जी हम आ गए हैं लाउटर ब्रुनन के ट्रेन स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ से हमें टिकट लेके हम जाएंगे व्यंजन की तरफ पकड़ के, वही ट्रेन जो हमें आगे यूनफ्राउ तक जाती है जिसमें मैं गया हुआ था, मगर हम आधे रास्ते ही जाएंगे क्योंकि आगे वो फिर वर्थ नहीं है, वो जो पहाड़ों में ग्लेशियर का एक व्यू दिखाने ले जाते हैं महंगा बहुत पड़ता है। चलो जी टिकट तो प्रिंट कर ली हमने, व्यंजन तक की ली है, अभी सीधा क्लाइना शाइडेक तक की नहीं ली, और ये पड़ी है अपने को 5 टिकटें आएंगी 7.5 ईच। ओके, ये व्यंजन वाली लेनी है, ये आएगी कहाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ओके भैया, जो मैं कह रहा था कि पहाड़ की दूसरी तरफ जा सकते हैं, तो यहाँ तो हम हैं लाउटर ब्रुनन, ठीक है, यहाँ से ट्रेन जाएगी जो मैंने आपको दिखाई थी व्यंजन तक, यहाँ से फिर जाएगी ट्रॉली ऊपर, तो हम इस तक चले जाते हैं, ठीक है, और यहीं से सीधा ग्रिंडलवॉल्ड जाती है जहाँ पे, जहाँ से हम आ रहे हैं। हाँ, हमने ये वाला ना रूट ले लिया था, रोड वाला, हाँ। तो ये हम देखा है, अब मैं पहले आ चुका हूँ, सारी सीरीज बना चुका हूँ, मगर इतनी ज्यादा जगह है ना यहाँ ऑप्शन घूमने के लिए, पिछली बार भी गाड़ी से था तो इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है कंफ्यूजन, बट फिर भी आधा स्वाद पूरा कर। वो उधर जा रहा है गिम्बल वर्ल्ड मुरैन, वो मैं आपको सारा पहले दिखा ही चुका अपनी वीडियो के अंदर। अब बस हमने यहाँ से ये भी पटरी का मैं बार बार बताऊँ ना, अलग बीच में होती है क्योंकि माउंटेन ट्रैक पर चलने के लिए एक और बीच में ट्रैक होता है, बस यहाँ से हम लेने वाले हैं। हाँ जी माता जी, तैयार हो आप फाइनली जाने के लिए? ये तो जी वो रेगुलर ट्रेन है जो इंटरलाकन और सिटीज वगैरह चलती है, ग्रिंडलवॉल्ड से भी अगर किसी ने आना हो तो इसी ट्रेन पे वापस आ सकता है, अगर पूरी वो वहां से जाके घूम के आए। मगर उधर से जो आ रही है वो आ रही है माउंटेन वाली जो व्यंजन साइड तक जाएगी। बंदा कह रहा है भाई साइड हो जाओ, ट्रेन लग रही है। आ गई, चलो ये ट्रेन में हम सवार हो गए। अभी टाइम जो है ना ऐसा शाम वाला, इस टाइम लोग वापस ज्यादा आ रहे हो तो ऊपर कम जा रहे होते हैं, तो भीड़ कम है। जी आ गया लाउटर ब्रुनन, ओए होए ये नजारे हैं हमारे ट्रेन से, सबके फोन मोन चालू, मम्मी इस तरफ असली है जो फाउंटेन वाला, ये देखो
दिशाएं आ गई। ये व्यू जो है ना, ये सिर्फ ट्रेन से ही मिलते हैं। मतलब ऐसे देखने पता ही लग रहा 30-40 डिग्री का, 30 डिग्री का तो कम से कम एंगल होगा जिसपे चढ़ रही है मम्मी, है ना? मैंने बाहर से देखा था, काफी ऊंची चढ़ती है। हाँ, खड़ी चढ़ाई। हम पहली पहली बोगी में ही है, वो भाई चला रहा है सामने। बाकी जी खाली है तो हम दोनों साइड के नजारे ले रहे हैं। यहाँ पहाड़ आता है, इधर वैसे भी शॉर्ट लेने आ जाते हैं, मगर चल तेज रही है, तेज है, स्पीड तो है भाई, चाहे जो भी हो। फील हो रहा है ऊपर चढ़। हाँ हाँ, पता लग रहा है कि ऊपर चढ़ रही है, अभी सॉलिड ऑल्टीट्यूड गेन कर रही है। Very pretty. It's going faster than I thought. Yeah. The train. 10-12 मिनट की ट्रेन है, मगर बहुत ऊपर आ गए हैं। अभी तो हमने तक की नहीं, जो की समझ लो आप, यहाँ से टिकट थी तकरीबन 20 यूरो की, ये वाली जो है ना ये 7.5 यूरो पर पर्सन पड़ी है। हम तो पहले स्टॉप पे उतरे, आगे देखो एलमंड और एक ही और है, फिर क्लाइनेशाइट आता है जो कि 4:08 पे पहुंचेगा। तो कितनी मिनट की चढ़ाई है और ट्रेन है, पहुंच गए हम, आ गए। आ गया अगला है? ओके, अभी हम आए हैं व्यंजन वर्ल्ड, मगर हमने व्यंजन जाने, बर्फ आने वाली है। आ गए फाइन ऑल्टीट्यूड पे, वो देख वहां से आ रहे हैं, वो देख नीचे रक्षिता, वो रहा लाउटर बुमनेल और पूरा चर्च, चर्च के साथ आगे जाके हमारा बीएनपी, वो चर्च से आया, वो तेरी की। पहुंच गए, देखा हमें कितनी ऊपर ले आई, आ गया व्यंजन स्टेशन। चलो जी, व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, वो देखो कितनी नीचे रह गया, वो झरना जो हमारे उससे बीएनबी से दिखता है, देखो। चलो जी, यहाँ जाना है हमने, ये आ गया व्यंजन से, ये निकल जाती है आगे क्लाइमेशाइडेग और यूनफ्रॉम। भैया ये नहीं है, ये इतनी महंगी टिकट खरीदनी है आपने नजारों में आने के लिए, इन्होंने पूरे ट्रैकिंग के रास्ते बना रखे हैं कि आप ट्रैक करते हुए हाइक करते हुए भी आ सकते हो और नीचे भी फ्री में चाहो तो जा सकते हो। ये आ गया स्टेशन, हमने जाना है बार की तरफ। ओके डॉल, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द केबल कार। ओके, रक्षिता ने भी यही बात बोली, मम्मी ने भी बोली, फिर सेंटर ने भी आके यही बात बोली कि टिकट तो किसी ने चेक ही नहीं करी, इतनी महंगी टिकट है, मैं करते नहीं, मगर कल को कर ले एक बार को तो फिर थोड़ा सा जो है ना एम्बेरसिंग हो जाएगी सिचुएशन, पर्ची पुर्ची मिल जाए। व्यंजन मैंने पहली बार देखा क्योंकि मैं सीधा यहाँ से निकल गया था। वो जा रही भी है, देखो ऊपर ट्रॉली, वो जा रही है उस माउंटेन तक, और इस माउंटेन के पार उस तरफ ग्रिंडलवाल्ड है, वो जा रही वहाँ तक, वो हाँ वहाँ तक जाएगी जो ऊपर दिख रहा है, इसी माउंटेन के पार ग्रिंडलवाल्ड है, यहाँ से दूसरी तरफ होते हो गया ग्रिंडलवाल्ड पहुंचोगे, वो उसी लेवल पे। नहीं नहीं नहीं, नीचे उतर के है वो भी, बीच में ये पहाड़ है। हाँ, ये यहाँ से ऊपर चढ़ेगी, ऊपर जाके उस तरफ आपको उतार देगी। मम्मी टिकट तो बड़ी महंगी है, ऊपर नीचे जाने की 58 फ्रैंक अप एंड डाउन, बट इट इज रियली हाई, इट इज नॉट जस्ट दैट, इट इज फर्दर एंड इट इज इन स्नो। क्या करना है, 58 तो बोला, स्नो तो हम देख देख के आ रहे हैं, दुखी हो गए। मम्मी सेइंग 58 इज टू मच। ओके जी, लाउटर मोनन से हम यहाँ व्यंजन तक आ गए, अब ये 60 फ्रैंक किया जाना आना। अब मैं इनको कह रहा हूँ केबल कार्ड की जगह ना फिर वापस चल के यहाँ से ये वाली ले लेते हैं जो मोरैन तक जाती है, और ये वाली पड़ेगी सिर्फ 12 की, तो उसमें केबल कार का स्वाद हमारा सस्ते में पूरा हो जाएगा। अभी किसी को मोरैन में रहना हो ना तो ज्यादातर लोग ट्रेन ही लेके यहाँ तक ऊपर तक आते हैं, फिर अपने इन होटलों में रहते हैं, यहाँ से घूमने जाते हैं। लाउटर मोरैन तो चलो गाड़ी कंफर्टेबली चली जाती है, धाम करके आवाज आई है, ऊपर से बर्फ टूट के गिर गई, भाई सब स्लाइड हो रहा है, हाँ काली काली, हाँ बर्फ ने तोड़ ये वो, हाँ नीचे गिरी है एकदम, वो स्लाइड होती है ना स्नो, अभी अभी धाम करके आवाज, हमने पीछे मुड़कर देखा क्या हुआ, गिरी एकदम बर्फ। चलो जी पहुंच गए वापस, अभी घंटियां नहीं बांधी है इनके गले में ना, पिछला तो हमारा लूप रह गया, मगर इस बार हमने वो गलती नहीं करनी, तो इसलिए हम आ रहे हैं लाउटर ब्रोनन, यहाँ से हम जा रहे हैं ये वाला स्टॉप जिसको मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, ये केबल कार लेके जाएगी, यहाँ से हम लेंगे ट्रेन जो लेके जाएगी मोरैन तक, मोरैन से फिर हम लेंगे एक और केबल कार जो कि हमें यहाँ और फिर गिमल वर्ल्ड लेके जाएगी, गिमल वर्ल्ड से हम नीचे उतरेंगे दूसरे एंड पे इस पहाड़ के, और यहाँ से बस लेके हम वापस यहाँ आ जाएंगे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, और ये पूरा लूप 28 फ्रैंक का पड़ेगा। आगे भी आगे, चलो 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 टिकट स्कैन करो, चलो भैया अपन पहले आए हुए, हमको पता है वो उधर से दिखता कुछ नहीं, नीचे यहाँ से जाएंगे तो यहीं से जो है सारे व्यूज दिखाई। पिछली बार मैं इसमें गया था भाई, सब टांग रखने की जगह नहीं थी, मगर सुबह सुबह लोग ऊपर जाते हैं ना, इस टाइम लोग वापस आ रहे होते हैं, हाँ तो इस टाइम जाओ तो भीड़ कम है। मैं इनको कहता हूँ ना ये वाला कोना पकड़ लो, सारा व्यू यहीं से है, तो है। स्पीड यार,
स्पीड पकड़ी एकदम थोड़ी हिल रही है भाई ये तो। वाओ इधर देखो ना माँ, क्या देख रहे हो इस तरफ है? ये क्या जी लाउट अपलोडन नीचे चार एंगल से देख लिया हमने। मम्मी वो सामने जो गांव दिख रहा है वहां से हम आए हैं, वो वेंचर है ठीक है, वहां से वो नीचे लाउट अपलोडन, यहाँ से हम दूसरे एंड पे ऊपर आ गए। जब भी ये आता है ना स्पीड बढ़ जाती है एकदम, झूला आता है कान बंद हो। भैया यही कह रहे हैं कि नीचे से नहीं लगता कि इतनी हाइट होगी, मतलब ऊपर आके पता लगता है। प्लस मुरैन जहाँ थे भैया, ये मुरैन से ज्यादा ऊंचा है, ऊपर तो आ गए। यहाँ से ट्रेन है, यहाँ से ट्रेन मुरैन लेके इतनी ऊंचाई पे ही चलेगी, चलती पहाड़ पे है वो पहाड़ की ट्रेन है। आज वो ट्रेन खड़ी है, ट्रेन खड़ी होगी। इनकी टाइमिंग ऐसे ही सेट है कि जैसे ही बंदा नीचे है ऊपर ट्रेन पे चढ़े। घुस जाओ भाई, घुस जाओ। कोने की बोगी देखो, सीट मिल जाए बढ़िया। यही सीट खाली है, सीट खाली है, आ जाओ। डब्बा एक है, सिंगल डब्बा, जल्दी आओ। चलो जी हम सिंगल बोगी में बैठ गए, तो पूरा का पूरा शीशा ही खोल लिया है वो। जी डॉल सिट दिस साइड सो यू हैव फ्रंटल व्यू लाइक दिस। यस ड्राइवर भाई आगे बैठा, सिंगल बोगी की हमारी ट्रेन है। हाँ माता जी, मजा आ रहा है नहीं चल पड़ी माता जी, ये 2500 तो वसूल है मेरा। अरे स्नो स्नो आ गई भाई, अभी तो ऊपर जा रही है मम्मी और हो रहा व्यंजन, और ये रही मम्मी। भैया के पीछे चोटियां ऊंची ऊंची, इनमें से एक यूनफ्राउ है जो सबसे ऊंची है, जहां से ऊपर ग्लेशियर दिखते हैं। ये आ गया जी विंटर एक्स स्टेशन, यहाँ पे बेसिकली एक होटल है उसके लिए लोग आते हैं, और ये सामने से आ गया। देखो भैया आगे आगे हो रहा माल ढोने के लिए। ये आ गए जी तीन चोटियां, यहाँ जाने की टिकट जो है वो 120 फ्रैंक है जाना आना। हाँ एक और ट्रेन है माउंटेन ट्रेन जो लेके जाती है। यू ऑल्सो फील कोल्ड? हवा ठंडी होगी तो भाई साहब, फ्रेश एयर आ रही ना हर तरफ से, और बर्फ भी है। मैं बालकनी में जाना, थोड़ी थोड़ी ठंड लगी है, पकौड़े खाने का जो मजा आएगा। मम्मी कहती आलू प्याज सब पड़ा सदा, बेसन नहीं है, बेसन के दोनों खट ले। अगली बार याद रखना, मैं कभी भी बीच में पकौड़ों का चस्का आ सकता है, बारिश वारिश आ जाए, बर्फ आ जाए। नहीं